हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। आज हम लोग रेलवे 2018 के मतलब कि ये जो आज का मतलब सब शिफ्ट वन का, ठीक है, उसका क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, जैसे कि मैथ का ये है, ठीक है, मैथ का चैप्टर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, शिफ्ट वन में पूछा गया है। तो पहला विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले देखिए, पहला विषम संख्या मतलब क्या, विषम संख्या मीन्स होता क्या है, ऑड संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या देखिए 1, 3, 5, 7 है। ठीक है, तो 1 से 3 तक दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 से 5 तक जोड़ते हैं तो 9 होता है, और 1 से 7 तक जोड़ते हैं तो चौथा संख्या कितना होता है, 16 हो जाता है। तो 16 करके तो यहाँ पर 50 करना है, तो 50 करके कितना होगा, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2500। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अट्ठाईस और 42 के एलसीएम और एससीएफ का अनुपात क्या होगा, तो एलसीएम एससीएफ क्या होता है, 28 एलसीएम का एलसीएम बाय एससीएफ। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 14 × 28 मतलब किससे डिवाइड हो जा रहा है, 14 × 28 होती है 42, मतलब 14 × 2 × 3। ठीक है, ये ऊपर में हो गया, ठीक है, ऊपर में एलसीएम ले लिए और नीचे में एससीएफ कितना होता है, तो 14। ठीक है, ये 14 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो 6:2 मतलब 14 से 14 काट देते हैं तो 3 × 6 और नीचे में बच जाता है 1, तो 6:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1670 का स्क्वायर कितना, 1670 में कितना जोड़ करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 1670 में क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है, और 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681। तो 1671 में 11 जोड़ देने पर 1681 बन जाता है, तो मतलब 11 आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 50 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम, 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम, तो 50 ग्राम ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब 50/2000। ठीक है, मतलब ये कितना इसका है, तो कितना पूछेगा, तो 50/2000 करना है। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो इसको काट देते हैं, 200 इधर कट जाएगा, तो इधर 0 कट जाएगा, तो 5/2 यानी कि 2.5% बच जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक व्यक्ति 1400 रुपये का साइकिल खरीदा, ठीक है, मतलब सीपी है कितना है, 1400 रुपया, और 15% लॉस में बेच देता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी है 1400, और एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1400 × 80/85 × 100। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये काट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे कैसे होगा, 1400 × 15% निकाल लेते हैं, 210 हो जा रहा है। ठीक है, और 210 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी 1190 में बेच दिया। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक प्रश्न था जिसमें रेट था 4%, टाइम था 6 मंथ और एसआई था 150। ठीक है, तो पी बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, मूलधन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है ना, तो PRT/100 करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए पी इजकल टू क्या हो जाएगा, SI × R/RT। ठीक है, तो पी इजकल टू 150 × 100 × 4 × 6। ठीक है, और 6 मंथ था ना, तो 6 मंथ / 12 6 मंथ / 1 साल का हो जाएगा 6/12, तो 12 को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो 6 × 12 दो बार में, और 25 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर 150 × 50 को कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, राइट आंसर इसका यही है। देखिए, एक क्यूब पूछा गया है, 1728 का क्यूब कितना होगा, क्यू रूट। ठीक है, तो क्यू रूट कितना होता है, 11 क्यू रूट होता है 1331, और 12 का क्यू होगा, आप लोग रट लिए होंगे। ठीक है ना, 12 का क्यू है 1728, तो आप लोग को 1 से लेकर 15 तक क्यू मतलब रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेता हूँ, एलसीएम में एलसीएम क्या होगा, 1836/42 का। ठीक है, तो 1836/42 लिख देंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, 6 × 18 = 36, उसके बाद 6 × 7 = 42। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 3 = 3, मतलब कितना हो गया, 3612। ठीक है, तो 3627। ठीक है, ये इतना बच गया। ठीक है, तो एक को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 3627। ठीक है, तो 6×36 और 37×7 तो कितना हो जाएगा, 252 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक प्रश्न था टाइम एंड वर्क से। ठीक है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, और दो गुना व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है MDH/D। ठीक है, तो MDH से याद रखिएगा, MDH/W। ठीक है, मतलब वर्क। ठीक है, नीचे वर्क होता है। ठीक है, तो हो जाएगा, मान लीजिए आदमी मान लेता हूँ कुछ एक्स है और 12 दिन है यहाँ दिया हुआ, और दुगुना हो जा रहा है, तो मतलब 2x और × D निकालना है। तो ठीक है, और हाफ मतलब क्या, 1/2 ऊपर भेज दिए इसको फिर, ठीक से, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, x से 1 काट दिए और
यहाँ पर 2 × 4 मतलब 4 को यहाँ से दोनों को काट देना, 34 12, ठीक है, मतलब d = 3 दिन हो जा रहा है, ठीक है, आंसर यही है। एक प्रश्न पूछा गया था रेशियो से, ठीक है, a = b कुल इतना दिया हुआ है 12:7 और c = इतना दिया हुआ है, ठीक है, 2:3। तो पहले क्या करना चाहिए, a = b = c लिख देना है डायरेक्ट आपको 12:7 और b के नीचे ही 2 और उसके बाद c का रेशियो लिख देना है, ठीक है। तो इसको ऐसे गुना करना है, फिर ऐसे गुना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। 7 × 21 7 × 14 7 × 12 × 24, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं जेड फार्मूला। फाइंड ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर पूछा था इस समय से, ठीक है। तो 125 512 1321 1721, ठीक है, ये 5 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, तो ये ऑड ये है 1321, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। 5:130 और 16:2 कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 6:6 कितना हो जाएगा, ये डॉट है 4, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह है। तो 5 × 125 6 का क्यूब 216 प्लस 6 कितना 222 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एक प्रश्न था रीजनिंग का, देखिए इसमें BTDR और FTY इसका क्या हो जाएगा, अगला सीरीज क्या होगा इसका, ठीक है। तो B से C, C एक यहाँ पर आ जा रहा है, T से F, E यहाँ बीच में है, ठीक है। तो इसका क्या किया है, P से Q मतलब पीछा चल जा रहा है, ठीक है, Q हो जा रहा है, और इसका S और T हो जाएगा, तो S पीछे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आगे लिखेंगे तो H और N हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर ये है। अब कुछ प्रश्न GK का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया था एक तो, ठीक है, तो 22 जुलाई 1970 का कौन सा दिन होगा, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मिरर से भी एक प्रश्न पूछा गया था जिससे सिंपल मिरर था, ठीक है, जैसे ये से 0 दिया हुआ है और इधर से मतलब मिरर में क्या बनेगा, तो ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है, तो ये ऐसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बुक से था, एक सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, ये बुक के राइटर कौन है, तो सौरभ गांगुली, ठीक है। इसको मैंने बुक मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि बुक का भी मैंने एक पूरा जनवरी से लेकर के सितंबर तक का पूरा उसमें कवर किया हूँ, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख ले। उसके बाद एक फाइंड और नंबर था, ठीक है, 31 41 61 51, ठीक है, इसमें फाइंड करना था कौन है, ठीक है। तो ये किसी से नहीं कट रहा है, 31 41 और 61 किसी से नहीं कट रहा है, और 51 किसी से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, मतलब 17 बार में, तो ये 51 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न था सिलोज का, ठीक है, सभी स्कूल बैग है, कुछ बैग पैसे हैं, कुछ स्कूल पैसा, कुछ स्कूल पैसे हैं, ठीक है, पैसा इसका मतलब मुझे थीम नहीं मिला था इसलिए मैंने इसको नहीं दिया, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। और पीरियडिक टेबल से आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे पीरियडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, तो ये पहला होता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देख लें, मैं यहाँ पर PDF एक इमेज भी शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। pH मान ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कितना होता है, 7.4 होता है, राइट आंसर ये है, ठीक है। ओम्स लॉ पर एक प्रश्न बन रहा था, ठीक है, न्यूमेरिकल आया था, तो इसको दिया होता है, जैसे कि 18 वोल्ट दिया हुआ है और 6 एम्पीयर दिया होता है, कितना हो जाएगा, तो 6 से डिवीजन करेंगे तो 3 बार में 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। x = 120 का 20% 90 होता है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x × 20/100 कर देंगे तो 1/5 और 90, तो मतलब x × 15 5 कर देंगे, गुना कर ये 5 उधर चल जाएगा घूम करके, तो 450 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा 450, ठीक है। CP दिया हुआ है 400 और प्रॉफिट दिया हुआ है 20, तो SP क्या हो जाएगा, तो 400 × 120 डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, तो 400 का 120% निकालना है, तो 480, ठीक है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है, NaCO3, ठीक है, ये होता है वाशिंग सोडा का, ठीक है। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर बताना है, ठीक है, ग्रुप किस ग्रुप में आता है, तो 17 नंबर ग्रुप में है, ठीक है ना। कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, ठीक है, तो ये 6 होती है, एक कान में होती है 3 हड्डियाँ, दूसरे कान में होती है 3 हड्डियाँ, दोनों को जोड़ देने से 6 हड्डियाँ, ठीक है। एक प्रश्न आया था कॉमन वेल्थ गेम ने इंडिया में कितने गोल्ड मिला है, ठीक है, गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है, तो इंडिया को 26 मिले हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मिले हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, 80 मिले हैं, ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे दिया गया, 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये विनोद खन्ना को दिया गया, उनको मरणोपरांत, ठीक है। डेविड डिक्सन पुरस्कार किसको मिला गया है, ठीक है, डेविस लिटी को मिला गया, तो ये डेविस याद रहेगा, डेविस लिटी, ठीक है। तो ये सब एक बार जरूर देख ले, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टडी विद किंग प्रोडक्शन, थैंक यू गाइज़।